Scientists say that the whole universe is made up of just 5% of the whole energy. Rest 95% is the energy which is unknown to the scientist. And that unknown energy is called by the scientist as dark energy. They call it dark energy or dark matter. Now, we'll be discussing about this dark energy and the energy which is used up in the creation of the whole universe from the yogic science and from the perspective of the consciousness. Sharmaji, what is dark energy? जी जो साइंस से साइंस ने ये कहा है कि डार्क एनर्जी जो है इस ब्रह्मांड में 95% बताई है ये योगिक साइंस से ये 97% है 97% योगिक साइंस से ये बिल्कुल स्पष्ट है और प्रमाणित भी है जी तो ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इतनी बड़ी डार्क एनर्जी जो अंधकार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंधकार ये ब्रह्मांड में स्थित है और ये अंधकार ब्रह्मांड में जो स्थित है इसकी क्या कार्यशैली है और ये इतना 97% किस तरीके से ये स्थापित किया गया है इसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर ये चीज़ को एक बार पहले मूल में जाके देख लेते हैं ठीक तो ये मूल में जिस वक्त जीव आत्मा अपनी चेतन प्रक्रिया में पहली पोजीशन में चेत रही होती है वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर अंधकार है मगर वो अंधकार में एक जीवात्मा अपने को स्पष्ट कर पा रही है और ये डार्क एनर्जी में है फिर अगर हम दूसरी पोजीशन इसकी देखें इसी के अंग की तो दूसरी जो आत्मा है आत्मा जो अंडाकार है वो भी एक डार्क एनर्जी है क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है जी। तो जब ये दो पोजीशन तीन पोजीशन में से दो पोजीशन अगर डार्क एनर्जी अंधकार आया है तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं ये जो अंधकार है और जो ये डार्क एनर्जी है और जो हमारा जैसे शरीर में एक केंद्रित होने के लिए एक अहम की ज़रूरत पड़ती है तो अहम हमारा एक अंधकार में होता है तो उसे हम अहंकार भी बोलते हैं जो हमारे केंद्र में होता है जिससे हम ये केंद्र स्थापित होते हैं इसमें जो प्रकाश की गति आती है ये है उसकी तीसरी पोजीशन परमात्मा की तो परमात्मा जिस वक्त वो अपनी ऊपर स्थिति से राउंड लेता है उस अंडाकार को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त वो परमात्मा कि गति जो है प्रकाश में होती है प्रकाश की तरह चलता है ना कि वो चतुर्भुजाकार चार अंगों के आधार पर वो ऊपर स्पष्ट तो होता है मगर चलते वक्त वो चारों अंग जो उसके एक प्रकाश में गति की वजह से प्रकाश में दिखाई देते हैं और वो प्रकाश की एक राउंड दिखाई देती है और फिर मुड़ते हुए भी दिखाई देती है फिर अप्रत्यक्ष जाता है फिर प्रत्यक्ष होता है जैसे प्रत्यक्ष होता है फिर थोड़ी थोड़ी कुछ ही पल में वो एक पूरा का पूरा रिंग पूरा का पूरा एक सुरक्षा कवच अंडे का वो प्रकाश में हो जाता है यहाँ से प्रकाश की उत्पत्ति होती है और वहाँ पर उस डार्क एनर्जी की उत्पत्ति भी थी और वो वहाँ स्थित था मगर हम जब कभी अपने को केंद्रित करते हैं तो सबसे पहले अगर डार्क एनर्जी अंधकार और अहम हम नहीं केंद्र में स्थापित करेंगे अगर हम प्रकाश से हम मेथड देख लेते हैं कि अगर हम प्रकाश से स्थापित करें अपने को कि ये केंद्र में है और सब चीज़ सूक्ष्म में लाएं तो वो तो सब दृश्यमान होंगी तो सूक्ष्म किस बात का तो सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म में आने के लिए आपको अपने को अंधकार में जहाँ कोई चीज़ दिखाई ना देती हो अर्थात केंद्र एकदम सूक्ष्म बिंदु हो मगर हर चीज़ उसमें स्थित हो पूरा ब्रह्मांड उसमें स्थित हो
मगर जैसे जैसे प्रकाश प्रकाश की गतिमान होता है वैसे वैसे आपको सारा ब्रह्मांड और सारे आपके आंतरिक सिस्टम और ब्रह्मांड से जितना संबंध आपका जुड़ा वो सब चीज दृश्यमान होने लगते हैं। इसे हम प्रकाश कहते हैं। इनको हम देवता के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं, प्रकाश की पूजा करते हैं, किसी ज्योति की पूजा करते हैं, किसी भी प्रकाश को हम लाइट के आधार पर हम कई ऐसे त्योहार मनाते हैं उसे हम प्रकाश दिवस बोलते हैं। अच्छा एक प्रश्न था जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो दृश्यमान जगत है जी, जो पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड जी जी, वो बहुत कम है और ये पूरा मतलब इसको प्रकट एनर्जी कह सकते हैं, प्रकट एनर्जी कह सकते हैं, और जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म है उसको हम योगिक साइंस में डार्क एनर्जी कह सकते हैं, अंधकार 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 कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं, क्योंकि अहम सूक्ष्म है, अहम किसी को दिखता नहीं है, नहीं ठीक है, बुद्धि भी सूक्ष्म है, अहम भी सूक्ष्म है, ठीक है, उसके और भी हम और भी सूक्ष्म हो सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा वो है जो जो हमारा सूक्ष्म का हिस्सा है वो ज्यादा है, ज्यादा है 97% है, बिल्कुल योगिक साइंस के हिसाब से 97%, और जो सिर्फ 3% है वो दृश्यमान है, दृश्यमान है जो कि मैनिफेस्टेशन में आया है, जो कि प्रकट में आया, प्रकट में आया, प्रकट में आया है, मगर उसमें ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें दृश्यमान नहीं हो रही है वहां वो है नहीं, नहीं वहां पे भी है, है। और जो अदृश्य है उसने धारण कर रखा है जो दृश्य है, बिल्कुल 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 उसी ने धारण कर रखा है उसको। एक साइंटिस्ट अदृश्य चीज को दृश्य की गणना से दे सकते हैं जी। मगर जो व्यक्ति आत्म ज्ञान से देख रहा है वो तो अंधकार में भी देख रहा है, मूल में भी देख रहा है, व्यापक में भी देख रहा है, वो तो दोनों जगह पे देख रहा है, बिल्कुल, तो वो दोनों चीजें उसे स्पष्ट हो रही हैं, इसलिए इस वो बिल्कुल अपने में 97% और 3% को ही कैलकुलेशन लेकर के बिल्कुल मैथमेटिक उसकी गणित सही सही है, क्योंकि वहां तीन पोजिशन है, ये तीन पोजिशन ही दृश्य और आदृश्य को तय करती है, मतलब ये जो तीन पोजीशंस हैं, ठीक है, इसलिए आपने 3% बोला, इसलिए मैंने 3% इसलिए 3% बोला, 3% और बाकी 97% सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म, वो आगे प्रकट नहीं है, वो प्रकट नहीं, वो प्रकट नहीं, वो हमेशा सूक्ष्म में रहता है, और वो हर जगह विद्यमान भी है, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड, जब पूरे ब्रह्मांड को उसने धारण कर रखा है, विद्यमान तो होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मांड को। अच्छा अभी जो दृश्यमान जगत है, यूनिवर्स है जो हम देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो विभिन्न देवी देवता हैं, विभिन्न शक्तियां हैं, देवी हैं, देवता हैं, इसके बारे में हाँ, क्या जैसे हम तत्वों की आराधना करते हैं या तत्व एक देखा अलग अलग तरीके से तत्वों में अंडाकार की अपनी एक सुरक्षा कवच के अंदर अंडाकार वो उसी तरीके के हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही तत्व है, जैसे हमने वायु का नाम लिया तो ऐसा नहीं है कि वायु में एक ही तत्व है, वायु में इतने अंडे हैं इतने प्रकार के कि अगर कोई साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर से इसको गिनने में लग जाए तो शायद मेरे साथ बैठ जाए तो उसके बाल सफेद हो जाएंगे कि इतने प्रकार के वायुमंडल में अंडे हैं, तो ये अंडे भिन्न नाना प्रकार हैं, भिन्न भिन्न हैं और सबकी अपनी अपनी सुरक्षा कवच है और सबके सब सबके अपने आकार हैं, सबने अपना केंद्र धारण कर रखा, सबने अपना एक एक तरीके की अगर हम कहें कि शरीर धारण कर रखा तो उसमें गलत नहीं होगा जी। तो ये इस तरीके के इनकी हम जब पूजा करते हैं तो हम एक सामूहिक भी पूजा कर लेते हैं, मगर अगर हमने आंतरिक दृष्टि इनको अलग अलग जान लिया होता तो अलग अलग जान के हम पूजा करते तो इससे हम बढ़िया पूजा कर सकते थे, तो क्योंकि वो चीज़ की हमें पूर्ति करते हैं इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं कि हमें सदा मिलती रहे, हम जीवित बने रहें, तो एक जीवन की आशा है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक जो समस्या आती है हमारे पूजा में, ये पूजा हमारे भय के कारण हम करते हैं और भय इस बात का हमें दिखाई देता रहता है कि कहीं मेरे साथ में कोई नेगेटिव नकारात्मक स्थिति ना सामने आ जाए, मेरे जीवन में हमेशा सकारात्मक मेरे परिणाम अच्छे रहें, मेरे तरीके सोचे रहें, इसलिए हम इन देवताओं इन तत्वों में हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्रकाश की पूजा करते हैं। मगर अगर दूसरे हम आत्म तत्व ज्ञानी की तरफ से अगर हम देखने लगें तो सकारात्मक अर्थात आपकी पॉजिटिव एनर्जी
और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी अप्रत्यक्ष है, ये दोनों आपके दाहिने बाएं अंग हैं, तो जो दोनों हाथ आपके ही हैं, तो एक हाथ की आप साबुन लगाएं और एक हाथ को आप गंदा रखें, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कि ये स्थिति सही नहीं होनी चाहिए। दोनों अंग आपके हैं, सदा आप निर्भय रहें और सदा आप ये दोनों इन सब चीज़ों से उदासीन रहें, कि ये जो जो दोनों चीज़ें हैं ये अपना ही एक अंग है जी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपका अंग है, जिस वक्त आपको नेगेटिव चाहिए वह कायदा उसे सिरो धारण करके नेगेटिव में रहें। और नेगेटिव ऐसा है, समय की हमने उत्पत्ति बताई है, समय हमेशा चलायमान है, गतिमान है, इसलिए समय के अनुसार ये चीज़ें सबकी आती और जाती रहती हैं। यहाँ पर अगर कोई भी प्राणी या कोई जीव या कोई भी केंद्रित कोई भी चीज़ है, चाहे वो दृश्यमान है चाहे वो आदृश्यमान है, अगर यहाँ पर स्थित है तो वो निर्भय है। जो देवी देवता हैं हाँ, उनकी जो स्थिति है उनका केंद्र मजबूत है जी, वो शक्तिशाली शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली। बाकी जो जीव जंतु हैं, हम हैं और भी जो जीव जंतु, उनका केंद्र अलग अलग है, उनके सुरक्षा कवच बड़े हैं, सुरक्षा कवच उनके बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के छोटे हैं, ठीक है। तो इस आधार पर सबने अपनी स्थिति बना रखी है, बिल्कुल सभी केंद्र, सभी केंद्रित हैं, और सबका आधार जो है वो डार्क एनर्जी है, वो अंधकार है। हमारा भी डार्क एनर्जी, हम अहम पे खड़े हैं, अहम पे खड़े हैं, और अंधकार हमारा पहला मूल क्रिएटिव हुआ है, क्योंकि हमारी जीव आत्मा और आत्मा वहाँ प्रकाश नहीं है, वहाँ प्रकाश नहीं, वहाँ प्रकाश नहीं है, मगर वो दृश्यमान है बिना प्रकाश के, मगर वहाँ प्रकाश नहीं। प्रकाश मेरी तीसरी पोजीशन है, परमात्मा वाली पोजीशन वो प्रकाश है, ठीक है। ब्रीफली स्पीकिंग वी कैन से दैट व्हाटएवर एनर्जी व्हिच इज अनक्रिएटेड, व्हिच इज नॉट येट क्रिएटेड, इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 97%, एंड rest of the energy which has come into being, which has come into existence is only 3%, and in this 3% energy which is manifest, all kinds of centers are there, and depending upon the strength of the centers of the consciousness, all types of human beings, animals, all kinds of deities, their existence are there in the manifested universe. Rest of the universe, 97%, is unmanifest, and this unmanifested universe is called dark energy from the yogic science point of view. Thank you, friends.